सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम ये बात कर लेते हैं कि अगर आपने वाली वीडियो बिल्कुल कम्प्लीटली देखी एंड ध्यान से इम्प्लीमेंट की तो आपके क्या फ़ायदे हो सकते हैं। सबसे पहला, आप अपनी हर ऑनलाइन शॉपिंग में कोई भी प्रोडक्ट लोएस्ट प्राइस पे ले सकते हो, चाहे फिर वो आप किसी भी वेबसाइट से लो, चाहे अमेजोन हो, फ्लिपकार्ट हो या कोई अदर ई कॉमर्स वेबसाइट हो। एंड यहाँ पे मैं कैश करो की बात नहीं कर रहा हूँ। सेकेंडली, आजकल जितनी भी ई कॉमर्स वेबसाइट है उन पर काफ़ी ज़्यादा डील्स रेगुलरली आती रहती हैं। इसके वजह से कस्टमर काफ़ी कन्फ्यूज हो जाता है कि जो डील आई है, जिस प्रोडक्ट पे डील आई है, क्या रियली में उसका प्राइस कम हुआ है, और हुआ है तो कितना कम हुआ है। एंड यहीं पे अपना थर्ड पॉइंट आ जाता है कि इसके बाद आप प्रिडिक्ट कर पाओगे क्या ये सही समय है कोई भी प्रोडक्ट को बाय करने का, या फिर हमें थोड़ा रुक के बाय करना चाहिए जिससे इसका प्राइस ड्रॉप हो जाए, या फिर आने वाले डील्स में क्या इसका प्राइस ड्रॉप होगा कि नहीं होगा। तो ये चीज़ें भी आप प्रिडिक्ट कर पाओगे। फोर्थली, जिस प्रोडक्ट को आप लेना चाहते हो अगर उसका प्राइस गिरेगा तो आपके पास एक नोटिफिकेशन भी आ जाएगा कि इसका प्राइस ड्रॉप हो गया, जिससे आप फटाफट से मौके पे चौका मार सको। एंड फिफ्थली, इसके बाद आप इजीली कंपेयर कर पाओगे अपने प्रोडक्ट को डिफरेंट ई कॉमर्स वेबसाइट पे कि यार इसका प्राइस किसी अदर वेबसाइट पे कम तो नहीं है। सो मैं अगर अल्टीमेटली कहूँ तो इसके बाद आप काफ़ी अच्छा पैसे बचा सकते हो अपनी ऑनलाइन शॉपिंग में। सो ये वाली वीडियो उनके लिए होने वाली है जो अपने स्मार्टफोन से शॉपिंग करते हैं। एंड अगर आप डेस्कटॉप से शॉपिंग करते हो तो इस वीडियो पे क्लिक कीजिए या डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा, आप उसको देख सकते हो। नाउ, इन सब फंक्शनलिटी के लिए स्मार्टफोन में आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा जिसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। वहाँ पे क्लिक करोगे आप तो आपका ये एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगा एंड इंस्टॉल भी हो जाएगा। एंड जब इसको आप फर्स्ट बार ओपन करोगे तो ये आपके स्क्रीन पे कुछ इस तरीके से खुलेगा। एंड यहाँ पे आपको कोई भी अपने एक ईमेल आईडी से इसको साइन इन कर लेना है। एंड साइन इन करने के बाद आपको यहाँ पे एक कुछ बॉक्स बॉक्स करके सिंबल दिखेंगे। जैसे आप इस पे इसको क्लिक करोगे आपके सामने डिफरेंट डिफरेंट ई कॉमर्स साइट्स आ जाएंगी, यानी कि इन ई कॉमर्स साइट्स के साथ ये वाला एप्लीकेशन है वो कंपैटिबल है। एंड जिन ई कॉमर्स साइट के ऊपर आपको यहाँ पे एक बार चार्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा, इसका मतलब ये है कि उन वेबसाइट्स पे जो आपका प्राइस ट्रैकिंग वाला फीचर है वो अवेलेबल है। एंड जो प्राइस ट्रैकिंग वाला फीचर है उससे कैसे आप फायदा उठा सकते हो अभी हम उस पर बात करेंगे। बट उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि आप अपने प्रोडक्ट को इस एप्लीकेशन में कैसे लोड करोगे जिससे आप उस प्रोडक्ट की कुंडली निकाल सको। सबसे फर्स्ट, जैसे कि हम अपना नॉर्मल शॉपिंग करते हैं किसी भी ऐप के थ्रू, उसके थ्रू आपको एक भी अपना प्रोडक्ट है उसको सिलेक्ट कर लेना है। एग्जांपल के लिए हम यहाँ पे अमेजोन को ले लेते हैं। सो ये है हमारे एक प्रोडक्ट का प्रोडक्ट पेज। अब आपको यहाँ पे शेयर का आइकन मिल रहा है, वहाँ पे क्लिक करना है। एंड जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे देन यहाँ पे आपको चूज करना है प्राइस हिस्ट्री। एंड इसके बाद जो इस प्रोडक्ट की कुंडली है वो इस वाले एप्लीकेशन पे खुल जाएगी, और इस कुंडली को कैसे पढ़ना है अपने फायदे के लिए वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। इससे पहले हम बात कर लेते हैं सेकंड पॉइंट की। तो अगर आप किसी भी एप्लीकेशन का यूज़ नहीं करते, यानी कि ब्राउजर से शॉपिंग करते हैं, तो आपको किसी भी प्रोडक्ट के प्रोडक्ट पेज पे आना है। एंड यहाँ पे भी आपको एक शेयर का ऑप्शन मिल जाएगा। बेसिकली हमारे यहाँ पे जो गोल है वो है इसकी लिंक को कॉपी करना। अगर आप चाहो तो एड्रेस बार से भी कर सकते हो यहाँ पे क्लिक करके, या फिर आप यहाँ पे शेयर पे क्लिक करके भी यहाँ से इसकी लिंक को कॉपी कर सकते हो। एंड इसके बाद आपको वापस अपने प्राइस हिस्ट्री वाले एप्लीकेशन पे आना है। एंड आपको सामने ऑप्शन दिख जाएगा पेस्ट प्रोडक्ट लिंक का, आपको यहाँ पे अपनी लिंक है उसको पेस्ट कर देना है। एंड ट्रैक प्राइस पे क्लिक कर देना है, यहाँ पे सेम वही कुंडली अपनी वापस खुल जाएगी ना। अब आते हैं अपने थर्ड मेथड पे, जो मेरे को लगता है सबसे सही तरीका है एंड मैं आपको वही रिकमेंड करता हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले आपको इसी एप्लीकेशन में सर्च का जो बार मिल रहा है उस पर क्लिक करना है, यानी कि आपको इस एप्लीकेशन के बाहर भी नहीं जाना है। एंड जो प्रोडक्ट आपको लेना है उसका नाम यहाँ पे लिख देना है, और जैसे आप इसको सर्च करोगे तो ये आपको ऊपर दिख रही होंगी तीन ई कॉमर्स वेबसाइट का नाम, तो ये इन तीनों ही वेबसाइट पे इकट्ठा सर्च करेगा। तो यहीं से आप कंपेयर भी कर सकते हो कि इसका प्राइस दूसरे वेबसाइट पे क्या है। तो यहाँ पे आप जैसे फ्लिपकार्ट पे क्लिक करोगे आप उस साइट पे आ जाओगे। लेकिन अभी आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा भाई अदर वेबसाइट कहाँ गया, तो आप यहाँ पे अदर वेबसाइट को भी ऐड कर सकते हो। उसके लिए आपको यहाँ पर सेटिंग पे क्लिक करना है, एंड आप जिस भी ई कॉमर्स वेबसाइट को सूटेबल मानते हो उसको यहाँ से आपको इनेबल कर देना है। और यहाँ पे आपको ज़्यादा भी साइट इनेबल नहीं कर देना है, अगर आपने ज़्यादा साइट्स इनेबल कर दिए तो आपके जो पेज है उनको लोड होने में काफ़ी समय लगेगा। नाउ इसके बाद आप यहाँ से वापस बैक आओगे एंड वापस अपने प्रोडक्ट को सर्च करोगे तो इन सब पे ये प्रोडक्ट सर्च हो जाएगा। एंड यहाँ पे आप इजिली टैप कर करके
इन सब वेबसाइट्स पे क्या इनके प्राइस चल रहे हैं, उन सब का आप पता कर सकते हो। सो अब यहाँ पे हम ले लेते हैं फॉर एग्जांपल अमेजोन। तो अमेजोन को आपको ये वाला प्रोडक्ट मान लो पसंद आ गया, ये सबसे लोएस्ट प्राइस है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे, इस प्रोडक्ट का जो प्रोडक्ट पेज है वो ओपन हो जाएगा। नाउ अब यहाँ पे हम क्लिक करेंगे ट्रैक पे, एंड ट्रैक पे क्लिक करने के बाद हम वापिस वही इसकी कुंडली पे आ जाएंगे। नाउ अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको इसको कैसे यूज करना है अपने फायदे के लिए। तो सबसे पहले आपको देखने के लिए मिलेगा ऊपर एक ग्राफ, आपको सिंपली इस ग्राफ के ऊपर हवर करना है एंड आपको पता चल जाएगा कि किस डेट पे इसकी प्राइस क्या थी। सो आप यहाँ से ये पता कर सकते हो कि पिछले वाली जो डील थी इसमें उसकी प्राइस क्या थी, एंड यहाँ से आपको अच्छा अंदाज़ा लग जाएगा, या बोलो काफ़ी सही अंदाज़ा लग जाएगा कि आने वाले डील्स में इसका प्राइस घटेगा कि नहीं घटेगा। एंड यहाँ से आपको एक और चीज़ का अंदाज़ा लग जाएगा कि अभी इस प्रोडक्ट को लेना सही है कि नहीं है, क्योंकि अगर प्राइस ज़्यादा है तो आपको पता चल जाएगा यार ये सही टाइम नहीं इस प्रोडक्ट को लेने का। एंड यहाँ पे आपको कुछ और की पॉइंट्स देखने के लिए मिलती है, पहला करंट प्राइस एंड लोएस्ट प्राइस। एंड जो लोएस्ट प्राइस आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, ये आप बोल सकते हो एक बग है। इस बग के वजह से जैसे ही कोई प्रोडक्ट अगर आउट ऑफ स्टॉक होता है तो प्रोडक्ट का प्राइस जीरो हो जाता है, तो ये जीरो को लोएस्ट प्राइस रख देता है। सो इसको आप इग्नोर कर सकते हो, एंड आपको यहाँ पे हाईएस्ट प्राइस दिख रहा है एंड एवरेज प्राइस दिख रहा है, और उसके नीचे ये वाला एप्लीकेशन खुद भी सजेस्ट करने की कोशिश कर रहा है, यानी कि ये समय सही है इस प्रोडक्ट को लेने के लिए या आपको वेट करना चाहिए। बट अगर यहाँ पे आपको लग रहा है कि यार इसका प्राइस गिर सकता है कुछ दिनों में एंड मैं काफी अच्छा खासा सेव कर सकता हूँ, तो आपको यहाँ पे सेट प्राइस अलर्ट पे क्लिक करना है, एंड उसके बाद एक 30 सेकेंड का एड प्ले होगा, जो कि सबसे बुरी बात मुझे लगी इस एप्लीकेशन की, बट यही तरीका है जिससे ये एप्लीकेशन अर्न करता है। बट ये वाला जो ऐड प्ले होगा वो गूगल के थ्रू प्ले होगा, इसके वजह से ये ऐड कोई ख़राब ऐड नहीं होगा। ये ऐड डेफिनेटली आपके जो प्रीवियस सर्च हिस्ट्री होती है इन सब के अकॉर्डिंगली आपको प्रोडक्ट सर्च करेगा। तो जैसा कि आप देख सकते हो अपना यहाँ पे ऐड प्ले हो रहा है, एंड आपको यहाँ पे 30 सेकेंड वेट करना पड़ेगा। एंड अब यहाँ से आप इसको क्रॉस कर सकते हो, एंड जैसे ही आप क्रॉस करोगे यहाँ पे आप अपना प्राइस सेट कर सकते हो कि जो आपको लगता है इसके नीचे इसका प्राइस जाएगा। एंड सेट करने के बाद आपको यहाँ पे सेट अलर्ट पे क्लिक कर देना। अब जैसे ही इसका प्राइस ड्रॉप होगा आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा जिससे आप बाय कर सकते हो, एंड इसी के नीचे यहाँ पे हमें लाइक का ऑप्शन भी देखने के लिए मिलता है। सो डेफिनेटली अगर आपने प्राइस अलर्ट सेट कर दिया है ऑटोमेटिकली लाइक हो जाएगा। सो आप कुछ इस तरीके से कोई भी प्रोडक्ट लोएस्ट प्राइस पे खरीद सकते हो। एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने से पहले, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कुछ दिनों में काफ़ी रेयर चैनल बनने वाला है। बट कोई बात नहीं, अभी हम बात कर लेते हैं पॉइंट की। सो अगर आपके पास एक डेस्कटॉप अवेलेबल है या आपके पास लैपटॉप अवेलेबल है तो आपको मैं रिकमेंड करता हूँ आप उसके थ्रू ही शॉपिंग कीजिए, वहाँ पे आपको ये एड्स वगैरह भी नहीं देखना पड़ेंगे। और डेफिनेटली अगर आप किसी पीसी से शॉपिंग करते हो तो कन्वीनियंस भी काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। एंड अगर आपको पीसी से शॉपिंग करनी है एंड उस पर भी ये सब चीज़ों का फ़ायदा उठाना है तो इस लिंक पर आप क्लिक कीजिए। यहाँ पर मैंने पीसी में कैसे इन सब चीज़ों को यूज़ करना है इस पर बात की है। एंड जाने से पहले आप इन वीडियोस को देख लेना, इससे आपका जो समय है वो डेफिनेटली बचेगा एंड आप अपने स्मार्टफोन को काफ़ी कन्वीनियंटली और यूज़ कर पाओगे। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, एंड सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना।